देश में कोरोना वायरस के मामलों में 8.68% का उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 13,313 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कुल मामलों की संख्या की बात करें तो 43,34,04,958 हो गई है। वहीं देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 83,990 हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10,972 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कुल 42,73,06,027 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 38 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 5,24,941 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 14,91,941 वैक्सीनेशन हुआ है। अब तक कुल 196,62,11,973 वैक्सीनेशन हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया शुक्रवार को देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञों के दल के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पिछले कुछ हफ्तों से भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई है। आज की तारीख में 10 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात में कोविड-19 के 1,000 से अधिक मरीज उपचाराधीन हैं। विशेषज्ञों के दल में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव और NCDC के निदेशक सुजीत सिंह शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश एम्स गोखले, औषधि विभाग के सचिव एस अपर्णा सहित अन्य भी बैठक में शामिल होंगे। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।